नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा मैथुलिया में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ रही हूँ अपना एक ब्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। लाइक मेरे फैमिली में शादी है, तो ये शादी है डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारी तैयारी चल रही है, पैकिंग चल रही है, बिकॉज दो दिन बाद शादी है, हमें कल निकलना है। और उसके लिए क्या क्या चल रहा है, कैसा क्या है, मैं आपको कह रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे पैकिंग चल रही है, सब जगह काम स्टार्ट है, जितने भी हैं फैमिली मेंबर अपनी पैकिंग करने में स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज टाइम कम है, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में 3 बजे निकलना है। और सब दिखा दिया तो आप कल या परसों जो भी हमारे घर में वेडिंग है उसमें आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में 3-4 फंक्शन हैं, एक हमारा दिल्ली में है जो कि वो आज नाइट में है, एंड बाकी जो हैं कल से स्टार्ट हैं, वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग है। एंड ये जो शादी है वो होगी दो रिलीजन्स के बीच, लाइक पंजाबी एंड पहाड़ी। मैं दोनों के कल्चर आपको शो करूँगी, बट हम जो रेडी होंगे या अपने हिसाब से करेंगे वो पहाड़ी कल्चर होगा। आप ये जो मैं साड़ी दिखा रही हूँ ये मेरे यहाँ के लिए होगी, जो हमारा दिल्ली में फंक्शन है आज नाइट में मेरे को पहनना है। प्लस ये साड़ी है मेरी गणेश पूजा की, जैसे कि आपको पता होगा उत्तराखंड में जब गणेश पूजा होती है तो येलो साड़ी पहनी जाती है, येलो कपड़ा पहना जाता है, वो शुभ माना जाता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये देखिए उत्तराखंड की सबसे मेन मैरिड लड़कियों के लिए जो होता है वो ये है, इसकी पहचान है, जिसे हम कहते हैं पिछौड़ी, सबने सुना ही होगा पिछौड़ी का नाम। तो इसमें देखे क्या लिखा हुआ है, इसमें आशीर्वाद है सदा सौभाग्यवती भव। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोगों को मैं लेकर चलती हूँ, जो मैंने कलेक्शन देखा है मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। ये आज मेरी नाइट में यहाँ पे फंक्शन है, रात को नाइट पार्टी है, उसके लिए साड़ी मैंने रेडी की हुई है। और ये गिफ्टेड बाय मेरी सासू मॉम, ठीक है, उनको लगा ये कलर मेरे पर बहुत अच्छा लग रहा था। सेकंड की साड़ी मैंने अभी तैयार की हुई है, हमारे यहाँ पे गणेश पूजा आती है, गणेश पूजा में जो लेडीज होती है, लड़कियाँ होती है, जैसे कि मैं आपको फ्रेंड्स ये साड़ी दिखा रही हूँ, ये साड़ी हमारे यहाँ गणेश पूजा में पहनी जाएगी, बिकॉज हमारे यहाँ येलो कलर गणेश पूजा में बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेरा कलेक्शन है आज का, मीन्स शाम का। नेक्स्ट अब मैं ले जाती हूँ आपको, अभी हमारी चली रही है तैयारी, क्लियर नहीं है क्या क्या करना है, बट थोड़ा बहुत रेडी कर दिया है। मैं आपको एक अच्छा लहंगा दिखा देती हूँ, ये हमारा मेरा लहंगा है, कपड़ा ओपन ही करूँगी, आप शादी के दिन देखना कैसी लग रही है मैं, कैसा लगा लहंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगी। ये मेरा होगा शादी के दिन का, इसका कलर है पिंक एंड गोल्डन। सेम भटजी के लिए भी मैंने सेम कलर की ड्रेस ली हुई है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको शो कर देती हूँ क्या है, बिकॉज शॉपिंग हमारी हुई है लक्ष्मी नगर से, लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, और हमारी शॉपिंग हुई है होटल से, आगे देख सकते हैं, प्रॉपर ओपन नहीं करूँगी। ये बटजी का है, होप सो अच्छा लगेगा, लिया तो इसीलिए। सेकेंड डे हमारे यहाँ पे फंक्शन जो होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग जो हो रही है, जहाँ पर ये इंगेजमेंट होगी, इंगेजमेंट के लिए मैंने लिया है ये कलर। अभी ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, बट पहनने के बाद आपको बताना कि कैसा लगा। इसी के मैचिंग का मैंने अपने लहंगे की मैचिंग का भर्ती के लिए लिया हुआ है ये कलर, होप सो अच्छा लगे, सोच के तो यही लिया है, बाकी का देखते हैं। बाकी एक थर्ड लहंगा है मेरा, हमारे यहाँ हल्दी होती है, हल्दी में येलो कलर पहनते हैं, हल्दी के लिए भी मैंने एक ड्रेस ली हुई है, प्रॉपर ओपन नहीं करूँगी, बहुत बार तैयार करना पड़ रहा है। ये लहंगा है बहुत सिंपल सा है, बट बहुत प्यारा लग रहा था, देख सकते हैं आप, इसमें मैचिंग सब चीज जाएगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो हल्दी फंक्शन होंगे या हमारी शादी होगी वो हमारे कल्चर के थ्रू होगी, लाइक पहाड़ी कल्चर, मॉडर्न कल्चर के थ्रू, जिनमें हम हर चीज़ लेंगे। मैंने भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो मेन होता है पिछौड़ी, जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके लिए ये बहुत कंपल्सरी होती है, ये पहनना हमारे वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोगों की चल रही है पैकिंग, पैकिंग में हमें यहाँ से जाना है, तो जाने की भी ड्रेस है, मैंने आपको ये बताया, ये भटजी के यहाँ की ड्रेस है, फिर
देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दो है तो दो ड्रेसें बनाई हुई हैं। एक ये रहेगा बिल्कुल सिंपल, आपको जैसे भी पता है कि लड़के लोग सिंपल ही पहनते हैं। बाकी हम लोगों की तैयारी चल रही है, ये वहाँ पे ठंड होगी, हमें पता चल गया है वहाँ पे ठंड हो रही है, तो हमने उस हिसाब से कुछ विंटर टाइप के भी कपड़े रखे हैं कि अगर इनके बारिश हो जाती है या ठंड होती है तो हम लोग वहाँ पे ये भी वेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत गर्मी हो जाएगी, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें ठंडा भी रखना है। वो अभी मैंने इसके कपड़े सेलेक्ट नहीं किए हैं, होप्सो कर लूँगी। अभी इनकी तैयारी चल रही है, पैकिंग चल रही है, गाड़ी फुल होने वाली है, स्पेस भी मिलेगा, पता नहीं कब हम आएंगे, क्योंकि गाड़ी में 5 लोग होंगे, मेरी पूरी फैमिली होगी। देखिए मेरे बैंगल का कलेक्शन, मैंने अपने लहंगे के लिए अभी मैंने पूरा प्रॉपर बनाई हुई है, इसमें मैंने ये बैंगल्स दी हुई है, इसके साथ मैचिंग जाएगी, सब ये कांच की हैं, कोई भी मैं सिंपल वैसे नहीं पहनती, प्लास्टिक की कांच का होगा। जैसे कि ये है, बहुत सुंदर था, बहुत सिंपल सोबर पहननी है क्योंकि ज़्यादा मुझे ओवर अच्छा नहीं लगता। आप ये देखिए मैंने हल्दी के लिए, ये देखिए इस मैचिंग से इसको मैंने मैच किया है, इसमें मैच होगा, प्यारी लग रही है, इसके साथ चुनियाँ जाएंगी। ये मैंने जस्ट अभी आपको अपना ब्लू लहंगा दिखाया था, ब्लू लहंगे के साथ ये कॉम्बिनेशन जाएगा, अभी इसमें मैंने चूड़ियाँ ऐड करनी है, उसका कॉम्बिनेशन चलेगा, खूबसूरत अच्छा लगेगा। ये सिंपल प्लेन चूड़ियाँ देखिए, मैंने इस बार मैं नेल्स आर्ट नहीं कराने, बट मैंने ये नकली ये लिए हुए हैं, एक बार ये ट्राई करूँगी, ये कभी यूज़ नहीं किया हुआ है, आपको पता ही होगा, बट मुझे नहीं पता, एक बार जब मैं रेडी इसको पहनूँगी, लगाऊँगी अपने नेल्स में, तो बताना मुझे कैसे लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी एंड सस्ता है। वैसे तो फ्रेंड्स देखो, हमारे यहाँ पे कुमाऊँनी में गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है, हम पूरा मेरा गोल्ड का ही कलेक्शन होगा शादी के दिन, मेन हल्दी एंड शादी, बट जो इंगेजमेंट है उसमें हमने फीडबैक किया कि हम लोग गोल्ड नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा हम अपना आर्टिफिशियली पहन सकते हैं, उसके लिए मैंने सेट लिया हुआ है, मैं आपको अपना सेट दिखा रही हूँ, अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि इसके जो एयर रिंग्स है, जो मुझे पसंद आते हैं एयर रिंग्स, वो बहुत हैवी हैवी लुक है, तो इसके साथ हम कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी कैरी नहीं करेंगे इंगेजमेंट के लिए, जस्ट हम जो भी होगा डुप्लीकेट पहनेंगे, तो डुप्लीकेट भी मैंने थोड़ा सा हैवी बनाया हुआ है कि थोड़ा हैवी मैंने पसंद अच्छा लगता है, और ये हम लोगों ने परचेज किया हुआ है सदर मार्केट से, हमें एक दिन से सदर मार्केट भी गए थे। फ्रेंड्स मैं अब आपको लेकर चलती हूँ अपने कलेक्शन पर, जो कि मैंने उसके लिए रखा हुआ है, एक बॉक्स मेरा ये जाएगा जो कि शादी में हमें यूज़ करना होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें एक साथ सारी चीज़ें रखनी होगी, बट एक बेकार चीज़ ये भी है कि हम जिस जगह में होंगे हम वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते हैं, जो भी होगा यहाँ दिल्ली से मुझे ले जाना होगा। देखिए मैंने अपने कलेक्शन में क्या क्या रखा हुआ है, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मेरा एक पर्स है जो मेरे उससे मैच करता है, इसे कहते हैं पोर्टली पर्स, देखिए दैनिक कान को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए मैंने वो ले रखे हैं, ये पहना जाएगा, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें मैं ऐसा कुछ ज़्यादा खास यूज़ करती नहीं हूँ, तो इतना मेरे पास मेन सामान है नहीं, बट हाँ तैयारी फुल टू है, बट थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो कैसे क्या होगा। ये देखिए अब इसमें से मुझे कुछ कलेक्शन करना पड़ेगा, ये मेरे गोल्ड की ज्वेलरी है जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, सब मैं आप लोगों के साथ आती हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज जब तक मैंने आपको दिखा तो दिया मेन मेन चीज़ें, अब इनको मैं ज़रा पैक कर लूँ, क्योंकि पैकिंग होगी तो कुछ होगा, बिकॉज हमें ये भी चेक करना है कि गाड़ी में इतना स्पेस है या नहीं है कि इसको हम रख सकते हैं।
क्योंकि 5 लोग हैं, शादी डेस्टिनेशन है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यहाँ पे मिस कर सकते हैं, इवन अभी स्लीपर होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी। बाकी तो बहुत बिजी हैं, बहुत थके हुए हैं, बट तैयारी करनी ज़रूरी है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सब ऐसा ही चल रहा है। अभी बाहर दूसरे रूम में हमारे तैयारी चल रही है डांस की, क्योंकि जो जो डांस प्रैक्टिस कर रहा है, तो डांस हमारा भी है, तो वो भी मैं शो करूँगी कैसा क्या डांस है, अभी नहीं बताऊँगी आपको, डांस डायरेक्ट प्रैक्टिस जो कर रहे होंगे उसके बाद ही मैं शो करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अगेन, एंड मैं आपको थोड़ी देर में फिर वापसी आती हूँ फुल तैयारी के साथ, फिर मैं आपको शो करूँगी कि कैसे हम लोगों की डांस की तैयारी चल रही है, कौन किस गाने में डांस कर रहा है, कैसा क्या है, बिकॉज आज हमें फाइनल करना है कि क्या हमारे स्टेप रहेंगे, बिकॉज सब लोग इधर उधर हैं। अगर हम कपल डांस करें तो कपल डांस को कौन सा गाना चूज़ करना है, या कौन सा पहाड़ी करेंगे, पंजाबी करेंगे, कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, बट अभी जस्ट पैकिंग हो जाए उसके बाद हमें डांस की तैयारी करनी है, तो मैं वो भी आपके साथ लेकर आती हूँ मैक्सिमम आधे घंटे बाद। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय।